नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मुख्तार को जेल में दिया गया जहर, सुप्रीम कोर्ट से बोले उमर अंसारी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। जी बात करें तो गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की मौत को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। मुख्तार का परिवार शुरू से ही आरोप लगाते हुए आ रहा है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है। इसे लेकर परिवार सुप्रीम कोर्ट भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया, इसकी जांच जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जान का खतरा होने का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुक किया था, मगर अब उनकी मौत हो चुकी है, लिहाजा ये याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में वो इस याचिका में संशोधन करके नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए अदालत से इजाजत मांगी है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी में संशोधन की उमर अंसारी की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार के जवाब आने के बाद शीर्ष अदालत तय करेगी कि क्या संशोधित अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें यूपी की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। जेल ले जाया गया और हो गई मुख्तार की मौत। कपिल सिब्बल शीर्ष अदालत में जस्टिस हृषिकेश राय और एशवीएन भट्टी की पीठ ने उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्तार को जेल लाया गया और उनकी मौत हो गई, इस मामले में जांच होनी चाहिए। इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि इसके जवाब में कहा कि इस देश में लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें तो याचिकाकर्ताओं को जिसका डर था वही हुआ। मौत के जिक्र को लेकर कपिल सिब्बल ने ये बातें कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भैया इस मामले में जब नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बाकी आपको क्या लगता है, मुख्तार अंसारी की मौत किस वजह से हुई होगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद।